बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय। भक्ति उपासना चैनल के सभी भक्तों को कैलाश पंडित का नमस्कार। प्रिय भक्तों, हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास के महात्म्य की कथा का छठा अध्याय। तो आरंभ करते हैं, मेरे साथ स्नेह के साथ आदर के साथ आप बोलेंगे, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, जब दो घड़ी रात शेष रह जाए तब तिल, कुश, अक्षत, चंदन आदि लेकर शुद्ध होकर जलाशय पर जाएं। नहर की अपेक्षा नदी में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और नदी की अपेक्षा संगम पर स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है तथा तीर्थ पर स्नान करने से इन सबसे 2 गुना फल मिलता है। स्नान से पहले भगवान का ध्यान करके स्नानार्थ संकल्प करें, फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्घ, आचमनीय आदि दें। अर्घ देने के मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है, हे कमलनाथ आपको नमस्कार है, हे जलशाही भगवान आपको मेरा नमस्कार है, हे ऋषिकेश आपको मेरा प्रणाम है, मेरे दिए हुए अर्घ को आप ग्रहण करें। वैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहां कहीं भी भगवान विष्णु गए वहां उन्होंने 3 प्रकार से अपना पैर रखा है। वहां पर ऋषि वेद यज्ञों से सहित समस्त देवता मेरी रक्षा करते रहे। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। हे हरे, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ, आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे प्रबल राक्षसों का नाश करने वाले भगवान, हे पाप नाशक, कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु, शंकर तथा सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए निम्न शब्द कहें, जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था वही पापनाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाएं। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि सारे देवता रक्षा करते हैं, अतः वह मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेदों के मंत्र, कश्यप आदि ऋषि, इंद्र आदि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सभी नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7ों समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ सिद्ध सर्प और सब औषधियां व 3ों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रती हाथ में पवित्री धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य तथा पितरों का विधिवत तर्पण करते समय जितने भी तिल तर्पण में रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने और प्रातः काल के सब कृत्यों से निवृत्त होकर पुनः भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक चंदन, फूल और फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ दें। अर्घ मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है, हे विष्णु भगवान जी, राधा के साथ आप मेरे दिए अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात चंदन, फूल और तांबूल पान आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का
श्रद्धा पूर्वक पूजन करें और बार बार साष्टांग प्रणाम करें। ब्राह्मणों के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद और सारे अंगों में देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग न इनका अपमान करें और न इनका विरोध करें। फिर एकाग्रचित हो भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजन करें, उनकी परिक्रमा करें तथा उनको प्रणाम करें। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से आपका निर्माण किया है और ऋषियों ने आपका पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको मेरा प्रणाम है। आप मेरे सब पापों का नाश करो। और इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का छठवां अध्याय समाप्त होता है। मेरे साथ श्रद्धा पूर्वक बोलेंगे तो आपका निश्चित कल्याण होगा। भक्तों, बोलिए भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय।